भगवान ने हमें माया में क्यों फंसाया? मित्रों, अनादिकाल से आत्माएं यानी कि हम सभी भौतिक जगत रूपी माया में फंसे हुए हैं। भौतिक माया दुख कारक है और आत्मा इसी माया से मोहित होकर अनंत काल से कष्ट झेल रहा है। अनादिकाल से कुछ इमेच्योर संतों ने ये अफवाह फैलाया है कि जीवों को भगवान ने ही माया में फंसाया है। तभी से कुछ ऐसे हरि भक्तों की परंपरा शुरू हो गई जो हर वक्त भगवान को कोसती रहती है, और ऐसे लोग आज भी दिखाई देते हैं। कुछ इमेच्योर राधा भक्त हैं जो राधा कृष्ण को इस बात के लिए गालियां देते हैं। पर सच क्या है, भगवान ने हमें माया में फंसाया है या हम स्वयं माया में आए हैं? आज इसी पर बात करेंगे। मित्रों, आत्माएं माया में अनंत काल से तैर रही हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। पर भगवान ने जीवों को माया में फंसाया है, ये बिल्कुल गलत है। कुछ संतजन ऐसा मानते हैं कि जीवों की सृष्टि भौतिक जगत में हुई है, हालांकि ये भी गलत ही है। ना ही भगवान ने हमें माया में फंसाया है और ना ही जीवों की सृष्टि भौतिक जगत में हुई है। ये दोनों महान अज्ञान है जिसको अनेक ढोंगी संतों ने अनादिकाल से फैलाया है। मित्रों, जीवों की सृष्टि भौतिक जगत के पहले आध्यात्मिक जगत में पहले ही हो चुकी थी, बाद में आत्माएं भौतिक जगत में आए हैं। पहले हम सब वैकुंठ धामों में ही रहते थे। आज जिन पार्षदों को नित्य सिद्ध वैष्णव कहा जाता है, पहले एक समय हम भी उसी कैटेगरी में गिने जाते थे। हम जन्म से बद्ध जीव नहीं थे, हम सभी मुक्त जीव ही थे। पर हमने भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति घोर अपराध किया और स्वयं भौतिक जगत में आ गए हैं। जैसे ही आत्माएं अपराध करके भौतिक जगत में आई, तभी से हमको नित्य बद्ध जीव कहा जाने लगा और हमेशा के लिए आत्माओं में बंटवारा हो गया। एक नित्य सिद्ध जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति अपराध नहीं किया, और दूसरा नित्य बद्ध जिन्होंने भगवान के प्रति अपराध किया। जिन आत्माओं ने भगवान के प्रति अपराध नहीं किया, वे सदैव धाम में आनंद से रहते हैं, और जो आत्माएं भगवान के प्रति अपराध किए, वे सदैव माया में दुखी रहते हैं। नो डाउट कि अनादिकाल से भगवान श्री कृष्ण अनंत रूप धारण करके जीवों को तारते आ रहे हैं, और अब तक अनंत आत्माएं धाम वापस जा चुकी हैं। भगवान ने हमें माया में फंसाया है, ऐसा आरोप वही आत्माएं करती हैं जो अपना अपराध कबूल नहीं करना चाहती। हर आत्मा भगवान श्री कृष्ण जी से भयंकर ईर्ष्या करती है। भगवान को निराकार बताना, आत्मा और भगवान को समान बताना, भगवान ने जीवों को माया में फंसाया है ऐसा बताना, ये सभी भगवान के प्रति ईर्ष्या से जनित है। सारी आत्माएं इतनी कपटी हैं कि अपना अपराध भगवान पर थोप कर खुद मासूम बनना चाहती है। अनादिकाल से आत्माएं एक कपट आचरण करती आ रही है। इसी से पता चलता है कि आत्मा कितनी गिरी हुई चीज है। आत्मा इतनी कपटी और पतित है कि उसकी कोई हद नहीं है। भगवान श्री कृष्ण हमारे कपट को सहन करते हुए भी हमारे ऊपर अपनी दया रखे हुए हैं। वास्तव में आत्मा के अंदर कोई योग्यता नहीं है। श्री कृष्ण हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इस कारण हम तर रहे हैं। अगर श्री कृष्ण अपनी दया हम पर ना बरसाएं, तो कोई भी आत्मा कभी भी नहीं तर सकती। हमारे कपट को अगर देखा जाए तो हमें नरकों में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे भगवान निराकार हैं, हम सभी भगवान ही हैं, और भगवान ने हमें माया में फंसाया है, ये सारे व्याख्या ईर्ष्या जनित है। इनकी परम सत्यता से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। हमें भगवान ने माया में नहीं फंसाया है, उल्टा हम ही उनके प्रति अपराध करके यहाँ आए हैं और अपने अपराध का दंड भुगत रहे हैं। ईमानदार साधक हमेशा अपना अपराध कबूल करता है और श्री हरि का ईमानदार पार्षद बनता है। आप भी कपट का त्याग करके हरि भक्ति में लगिए, यही हमारे लिए श्रेयस्कर है। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।